ओके, इट्स लाइक प्लेसिंग आवर इमोशंस फीलिंग्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, दो टाइप के आर्ट्स होते हैं, पता है ना, दृश्य कला, ललित कला और आंगनिक कला जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट्स मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, एंड परफॉर्मिंग मतलब हमारे सामने लाइवली कुछ परफॉर्म हो रहा है या हम लोग उसके अंदर परफॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स वी आर ऑल्सो टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन दैट टाइप ऑफ आर्ट। अब आर्ट में हम लोग जानते हैं पेंटिंग है, लिटरेचर है, सॉन्ग्स है, स्टोरीज राइटिंग्स है, केव्स पेंटिंग्स है, ठीक है, मिनिएचर्स पेंटिंग्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं जो हम लोग ने स्टडी किया, फिर मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो 17th सेंचुरी में था वो पर्शियन पेंटिंग से इंस्पायर्ड होकर आया था, राइट, तो उसके पेंटिंग अगर हम लोग देखेंगे तो पुणे सातारा वाई साइड पे तुमको मिलेंगे, बड़े बड़े वाड़ाज में अभी भी वो पेंटिंग्स वैसे के वैसे रखे गए हैं, स्पेशली शनिवार वाड़ा जो मैंने बताया पुणे में इस फेमस पेशवा बाजीराव टू के टाइम पे बांधा गया था। ओके, ये सब प्राचीन काल की चीज है, केव पेंटिंग्स भी होती है, रॉक पेंटिंग्स भी होती है, ठीक है, फ्लोर पेंटिंग्स होती है जिसको हम लोग आंगन को पेंटिंग करने के लिए बोलते हैं, बाहर अगर हम लोग कुछ ना कुछ अभी गांव-गांव में अगर तुम लोग जाते हो इन विलेज साइड, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट बाहर जब हम एंटर करते हैं आंगन में ऑन द डोर साइड तो कुछ पेंटिंग किया हुआ पहले से ही रखे गए रहते हैं, राइट, कुछ कुछ लोग रंगोली बनाते हैं सुबह सुबह उठकर, बहुत से लोग को ऐसी आदत है कि अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धोकर होने के बाद घर के आगे रंगोली बनाना, अभी तो वो ऐसा नहीं है, अभी तो चलो सिर्फ इन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली एंड गणपति चलो हम लोग देखते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि वो लोग क्या करते थे कि उसके अंदर वो लोग ज्वाइन आउट करके देते ही थे रंगोली, ठीक है, मतलब ये गांव साइड पे अभी भी ये सब देखोगे तो प्राचीन चीज चालू है, ओल्ड ओल्ड पीपल टाइप्स अभी जो भी है वो चालू है, फिर क्लासिकल मैंने फॉर्म बताया था, फोक डांस, फोक कल्चर बताया था, फोक हिस्टोरियन बताया था, वो भी चीज हम लोग ने स्टडी आउट किया, ठीक है, कि फोक कल्चर क्या होता है और क्लासिकल कल्चर क्या होता है। फोक कल्चर मतलब अपना जो रिलीजन, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो कस्टम्स है उनको परफॉर्म करना, वो इन अ ग्रुप इन अ कम्युनिटी होता है, बट क्लासिकल अगर बोलेंगे तो उसके लिए ट्रिमेंडस प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम्पल मैंने डांस फॉर्म बताया था, आर्ट फॉर्म बताया था, राइट, और उसके लिए एजेस लग जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज सीख ली और कल जाकर मैं परफॉर्म करूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दैट। ओके, फिर पेंटिंग का बोधिसत्व पेंटिंग हम लोग ने स्टडी आउट किया था, गोरखपुरी केव में है, ठीक है, अजंता केव्स में अभी भी वो वैसे का वैसा तुमको मिलेगा जो पेंटिंग्स किया था बोधिसत्व का, मतलब ये परफॉर्मिंग बता रहा है कि अपना जो पेंटिंग्स है ये पेंटिंग्स कैसे है, फिर रॉक पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स, फ्लोर पेंटिंग्स, ओके, कोर्टयार्ड में रंगवली जो पेंटिंग्स लोग ने किया था वो कैसे थे, मतलब इंडियन कल्चर का जो पेंटिंग्स है, डेकोरेटिव स्टाइल्स है, जैसे कि अर्दन पॉट्स पर मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, अभी हम लोग देखेंगे जब नवरात्रि आता है तब कितने सारे पॉट्स को लोग डेकोरेटिव करते हैं, कलरफुल करते हैं, उसके ऊपर कुछ स्टिकिंग करके, फेविकॉल से स्टिक करके, कांच और मिनिएचर चीज बनाकर उसको पेंटिंग करके रखते हैं ताकि वो दिखता है सडन पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, तो वैसा हम लोग ने स्टडी आउट किया ही था। अब आते हैं इसके ऊपर, डू यू नो, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना था, वारली पेंटिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र मधुबनी में और महाराष्ट्र में फेमस है वारली पेंटिंग्स, ठीक है, वारली पेंटिंग देखो कैसा दिया है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द वारली पेंटिंग्स, द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग्स एंड पिंगुई और चित्रकटी इन महाराष्ट्र अमॉन्ग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, ये फोक टाइप का पेंटिंग है, देखो बहुत से तुम लोग ने देखा रहेगा कि साड़ी बाड़ी पे भी ऐसे डिजाइन होते हैं, स्मॉल 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 मिनिएचर, उसको बोलते हैं वारली पेंटिंग, जो मधुबनी बिहार में और वारली महाराष्ट्र फेमस है। जीव्य सोम्या माशे द आर्टिस्ट इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट हैड प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर,
ये जो पर्सन है जीवीएस सोमिया से इज वेरी फेमस इन थाने डिस्ट्रिक्ट दैट ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेंटिंग्स एंड मेकिंग द वारली स्टाइल वेरी फेमस. He has been honored with a number of national and international awards for his paintings. In the year 2011, he was awarded Padma Shri. ठीक है? 2011 में उनको क्या दिया था? Padma Shri से गौरवित किया था. Padma Shri. Okay? Padma Shri से उनको सम्मानित किया था. The tradition of Chitrakut is mentioned in Manasolas, a book written by Chalukya king Someshwara in the 12th century common era. अब जो चित्रकटी है, देखो फोटोज पे कैसे लोग ने किया है पेंटिंग, राजा आ रहा है उसके आगे कैसे पब्लिक हाथ जोड़कर खड़े है, ठीक है. It confirmed the antiquity of this tradition. Antiquity मतलब पुराने काल का जो उसका tradition वो लोग confirm करते हैं इसके अंदर. Okay, the tradition of narrating stories from Ramayana or Mahabharat with the help of wooden puppets and painting is known as Chitrakati or Pinguli tradition. Puppets पता ना, ये हाथ से कठपुतलिया को चलाना, ये भी फेमस है राजस्थान महाराष्ट्र तमिलनाडु, वो आगे हम लोग लेसन में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कैसे पपेट शोज होते हैं और कितने टाइप्स के पपेट्स होते हैं. हमने ऐसे देखा है कि बस पपेट शो है बट उसमें भी टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं. ओके, द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुई लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली. They belong to Thakur tribal community. It is located in the Konkan region near Kudal. Konkan में एक famous गांव है Kudal, ठीक है, जो almost गोवा से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है. तो Kudal गांव में Thakur community लोग है ना, आज भी ये सब practice करते हैं. The Chitrakati pictures are drawn on paper and painted in colors made from natural substances. It takes 30 to 50 pictures to complete the narration in a single story. मतलब वो लोग पिक्चर के थ्रू से है ना स्टोरी बना दे, पिक्चर से थ्रू से वो लोग क्या करते हैं, स्टोरी वो लोग बनाते हैं. ओके, तो वो स्टोरी प्लेस आउट करके उनको एग्जांपल्स देते हैं कि अपने जो महाभारत जो रामायण हुआ है वो किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ. दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आर्टिस्टिकल फॉर्म आर्टिस्टिकल पेंटिंग से उठा करके पिक्चर्स करके फॉर्म आउट करते हैं. द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अभी देखो ड्यू टू दिस करंट अबाउट द डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट यूट्यूब, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, अभी ये पेंटिंग्स और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है. अभी सब लोग क्या करते हैं, टीवी मोबाइल्स टैबलेट्स के ऊपर या पीसी के ऊपर देख लेते हैं स्टोरी, मूवेबल स्टोरीज है जैसे कि महाभारत रामायण, अभी तो हम लोग देखा ही रिसेंटली पेंडेमिक में. तो अभी ये जो ट्रेडिशन है ना वो एक्सटिंक होने आ रहा है, एक्सटिंक मतलब खत्म होने आ रहा है, फिर भी कुछ कुछ जो ट्राइबल पीपल्स है वो आज भी ये चीजों को क्या करते हैं, आज भी ये चीजों को लोग सपोर्ट करते, आज भी ये चीजों को लोग सहारते, ठीक है. अब आते हैं हम लोग क्लासिकल स्टाइल्स, क्लासिकल स्टाइल जो पेंटिंग्स कैसे थे, ठीक है. एक सेकंड जरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वन सेकंड में फिर से. जस्ट अ सेकंड, नेटवर्क का इश्यू है. Connection is problem. Okay, I'm sharing a screen again. Just have a look. Screen divide here. Is it visible? Yes, now we are going to. Huh? The screen visible hai. Okay, thank you. Classical style is of paintings. Okay. Now classical style jo the. Abhi ye jo log ne study kiya hai, Quran kal ka jo style tha.
in the olden days, like Stone Age period, Bronze period, Metal period. अब आते हैं हम लोग क्लासिकल. क्लासिकल मतलब बोल सकते हैं फ्रॉम 11, 12 सेंचुरी पकड़ लो, 10 सेंचुरी पकड़ लो, टिल 17, 18, 17वीं सदी, 18वीं, 17वीं सदी पकड़ लो, 18वीं, 19वीं तो हम लोग दे कैन कंसीडर इट इज अ मॉडर्न एज. ठीक है, 19 सेंचुरी तो मॉडर्न ही था क्योंकि वो टाइम पे इंडस्ट्री का निर्माण हुआ. ठीक है, बट टिल फ्रॉम 18 वी कैन अज्यूम दैट वी वर लिविंग इन अ मॉडर्न एज, 17 टू 18 सेंचुरी. लाइक तो क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स टू व्हाट वर लो द इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स. देयर आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट मेंशन इन दिस टेक्स्ट. अगर तुम लोग पुराण कल की बुक स्टडी करोगे तो उसके अंदर लिख के दिया है कि टोटल 64 टाइप्स ऑफ आर्ट्स है, 64 आर्ट्स टाइप्स. ठीक है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज एकलम्यम और एकलयु विद्या इन दिस. मतलब ये जो 64 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स कैसे हो गया, हम लोग को तो सिर्फ एक ही पता है कि चलो ड्राइंग करो पेंटिंग करो, बट उसमें 64 पार्ट्स है पेंटिंग्स के, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स लोगों ने क्या किया है उस पेंटिंग्स को बताया. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स. ठीक है, जैसे कैसे है ना, 6 पेंटिंग में है ना, अभी हम लोग चलो किसी का फेस, किसी का आंख, किसी के ईयर्स एंड ऑल, वो हम लोग प्रॉपरली पेंट आउट करते, राइट? तो वैसा पेंटिंग्स में ना चीज के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है पेंटिंग्स में. तो वो 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है पेंटिंग्स के रूल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं जो बहुत ही अहम चीज है, इट्स वेरी कंपल्सरी इन अ पेंटिंग, वो होना ही चाहिए. तो क्या है, देखो 6 एस्पेक्ट्स. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स. ठीक है, शाडांगे द एंशियंट इंडियन स्कॉलर स्टडी दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली. माइन्यूटली का मतलब होता है बहुत बहुत, बोलते हैं ना एकदम से, माइन्यूटली मतलब बारीकी से स्टडी करना. वो 6 पार्ट क्या है देखो, रूप भेदा. सबसे पहला पार्ट है रूप भेदा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं रूप भेद. ठीक है, मतलब टाइप के ऊपर, फेस के ऊपर डिफरेंशिएट करना. अभी किसी का भी देखो, दो फेस सेम है क्या तुम्हारे फैमिलीज में भी, तुमको दो फेस, दो लुकिंग, दो लाइकिंग सेम नहीं मिलेंगी, अलग अलग है. तो वो भेदा, भेदा मतलब फर्क, रूप मतलब तुम्हारी ब्यूटी, तो वो ब्यूटी में फर्क बताना जरूरी है. ओके, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म देखो दिया है. प्रामाणा, प्रामाणा मतलब प्रॉपर डेपिक्शन करना है इमेज का. फीचर्स क्या है, अभी जब भी अगर हम लोग कोई चीज बनाते हैं तब, तो जैसे अगर हमको फेस बनाना है किसी का, तो स्पेशली उसकी जो मेन चीज है वो क्या है, आंख. आंख लाइवली दिखनी चाहिए और उसका नोज का जो पैटर्न है, भले तुम उसका चिन, उसके फोरहेड, उसके बाल, कान कैसे भी बनाओ, लिप्स कैसे भी बनाओ, चलेगा. बट जो आईज, नोज, अगर उसका डायमेंशन प्रॉपर होता है ना, तो पेंटिंग लाइवली लगता है. जैसे कि मोनालिसा का ले लो, लियोनार्डो डा विंसी ने पेरिस में अभी भी रखा है, इतना ब्यूटी बनाया था उस पेंटिंग में कि उसकी आंखें लाइवली थी वो पेंटिंग्स. ठीक है, तो वैसा इसके अंदर दिया गया कि प्रामाणा मतलब प्रॉपर होना चाहिए. फिर भाव, भावा, भावा मतलब भाव, एक्सप्रेशंस, उस फेस में क्या है. अगर मुझे हैप्पी बनाना है तो उसके जो लिप्स को थोड़ा ओपन आउट करके उसको हैप्पी बताना है, सैड बताना है तो उसके लिप्स को क्लोज करके सैडिंग में बताना और आंसू बताना. 3D आजकल पता है ना, 3D पेंटिंग्स भी होता है. ठीक है, मतलब जो लाइवली दिखता है वैसा, तो वो भाव होना चाहिए. कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूज का चेहरा क्या होना चाहिए. लावण्य योजना, लावण्य योजना मतलब एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स मतलब ब्यूटी, मनमोहन, मनमोहित कर जाना. मतलब पेंटिंग में ऐसी होनी चाहिए ना कि बस देखते ही रहो, लाइक किसी हीरोइन की पेंटिंग हो या किसी हीरो का पेंटिंग हो या किसी और चीज का पेंटिंग हो, ब्यूटी होनी चाहिए कि बस देखू तो मैं खो जाऊं, एकदम मसा सा छा जाए. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लावण्य योजना, मतलब एस्थेटिक्स. एंड
शूद्र सत्य मतलब रिजेम्बल्स टू रियलिटी, या पेंटिंग ऐसे बनाओ कि रियलिटी के बनाओ। अगर मैं आदर्श तिवारी का फोटो बंदर की तरह बना दूं और उधर नाम लिख दूं आदर्श तिवारी, तो चलेगा क्या किसी को? नो सर। नहीं मुझे चलेगा, क्योंकि तू बंदर ही लगता है, हरकत सूरत सब तेरी बंदर ही ऐसी ही है लाइक। तो वो रियलिटी भी तो दिखना चाहिए ना, रिजेम्बल्स टू रियलिटी। अब आदर्श तिवारी का जो फेस है, जो हंसता है, उसका जो लिप्स पे जो डिम्पल्स आते हैं चिन्स पे, वो कैसा आता है, वो रियलिटी दिखना चाहिए। वरना बहुत से लोग आदर्श तिवारी को सामने बिठाएंगे और बंदर का, कुत्ते का, चूहे का फोटो बना के बताएंगे, तो चलेगा वो रियलिटी है नहीं? ठीक है। फिर वार्निका भंग, वार्निका भंग मतलब कलर कॉम्बिनेशन। हाँ पेंटिंग में तो ये चीज है इम्पोर्टेंट है ना, कौन सा कलर का मैं कॉम्बिनेशन लू। ठीक है, ब्लैक के साथ ब्लू सूटेबल होगा कि व्हाइट सूटेबल होगा, पिंक के साथ में और कौन सा कलर टेक्सचर में लू, मिक्सचर करूँ। तो ये छह एस्पेक्ट जो है, रूप भेदा, स्थैतिक, वर्ण भेदा करके, फिर वाणिग्रह, लावण्य योजना, ये चीज पेंटिंग में इम्पोर्टेंट है। तो तुम कोई भी चीज का पेंटिंग बना, कोई भी चीज का। अभी अगर मैं जंगल बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं झाड़ बना रहा हूँ, और मैं उस झाड़ को कलर ब्लू कलर देता हूँ, चलेगा ब्लू कलर का झाड़? किसी ने देखा है रियलिटी में ब्लू कलर का झाड़? नो नो। पानी को मैं सी और ओशन का फोटो बनाकर मैं उसको ऑरेंज कलर दूँ, चलेगा? नो नो। पेंटिंग में चलेगा नहीं ना, बिकॉज वो रियलिटी नहीं ना। तो वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए कलर का। ये छह एस्पेक्ट्स होता है जिसके कारण पेंटिंग एकदम लाइवली उठ जाता है, मतलब उड़ जाता है, वो प्रेजेंस उसका एकदम हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझा कि नहीं समझा? एनी डाउट? मैं अपना ऑब्जेक्ट देख रही हूं इधर। समझा कि नहीं समझा? Any doubt? Okay. चलो, आगमा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट पुराणास एंड वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। आगमा करके एक टेक्स्ट पुराण काल में लिखते थे कि पेंटिंग्स कैसे होने चाहिए, मंदिर कैसे बनने चाहिए, राजवाड़े कैसे बनने चाहिए, अंदर की जो मूर्तियां बनती है वो मूर्तियां कैसी बननी चाहिए, क्योंकि पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग देखने जाएंगे तो वन एंड द सेम ही है। सिर्फ इतना है कि पेंटिंग में हम लोग पेपर और उसके ऊपर यूज करते हैं, और स्कल्पटिंग में हम लोग मट्टी से और प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाते हैं, बट वो तो अपना इमेजिनेशन ही है ना। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था तुमको, ठीक है, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था एलिफेंट गॉड गणपति बप्पा मोरिया का, राइट, कि जो उनका मूर्तिकार है वो क्या इमेजिन करके मूर्तियों को बनाता है। ठीक है कि नहीं? वैसे मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनिएचर मतलब वेरी 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 स्मॉल, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब स्मॉल, एकदम स्मॉल पेंटिंग्स। ठीक है, मतलब कुछ भी छोटी चीज पे, एक इंच दो इंच के चीज के ऊपर तुम लोग पेंटिंग करके बताना, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते हो, जो म्यूजियम्स में तुमको देखने मिलेंगे लाइवली अगर जाओगे तो, स्मॉल 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 स्मॉल। अंडरस्टूड? उसको हम लोग बोलते हैं मिनिएचर या मानुस। अभी ये मैं बोल सकता हूँ मॉडर्न है, क्योंकि ये स्टाइल अभी अभी आया 1920 सेंचुरी से, ये पहले नहीं था, पहले भी था बट एडवांस नहीं था इतना, पहले भी था, ये करते थे बहुत से लोग, बट वो टाइम पे इतना क्रेज और डेवलपमेंट नहीं था जितना आज और इस पीढ़ी में हमको मिलेगा, इस जनरेशन में मिलेगा। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये कैसा है, लेट्स सी। द मिनिएचर पेंटिंग्स इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स शोन हैज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल, पर्शिया, इरानियन स्टाइल, पर्शियन स्टाइल से ये पेंटिंग आया था। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वाज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनेट्स, डेक्कन के जो सुल्तनेट्स थे, सल्तनेट मतलब दिल्ली सल्तनेट पे राज करने वाले मुगल्स,
मौर्यास गुप्ता ये लोग सब ओके ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर द मुगल एम्पायर देखो नाम दिया मुगल क्योंकि जो पेंटिंग प्रिंटिंग का क्रेज अगर देखने जाएंगे ना तो ईरानियन पर्शियन लोग को ही था फॉर एग्जाम्पल जो मुस्लिम रूलर्स थे मुगल बारबर हुमायून अकबर एंड ऑल ये लोग को ही जो पेंटिंग म्यूजिक का शौक स्कल्पचर का शौक बहुत था बहुत पेट्रोनेस लोग पेट्रोनेस मतलब बोलते ना कायल थे इनके घायल थे इनको दे वर ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देयर्स ठीक है इसलिए तो अकबर के इसमें देखे रहेंगे ना नौ रत्न से नाइन जेम्स बोलते रहे जिसको हम लोग नौ रत्न अकबर के इसके अंदर और हर एक जन हर एक में माहिर था गाने म्यूजिक में पेंटिंग में दिमाग में विजडम में ऐसा ठीक है द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स वाज डेवलप्ड अब वेस्टर्न स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए ठीक है जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए तब उन्होंने अपने साथ वो पेंटिंग्स और कल्चर भी लाए ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन हमने एट का हिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो जब तक मुझे पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन जब चालू हुआ था राइट तो उन्होंने ये पेंटिंग सल्टिंग का भी क्लास और वो सब ओपन करके सिखाना स्टार्ट किया था तो वेस्टर्न कल्चर 17-18 सेंचुरी में अपने इंडिया में भी आता मतलब इससे ब्लेंडिंग है ब्लेंडिंग मतलब बोल सकते हैं लोग मिक्सचर कुछ लोग मुगल से आए ईरानियन से आए पर्शियन से आए अरब से आए कुछ इंडियन से ब्रिटिशर्स से फ्रांस से भी आए फॉरेनर्स से वेस्टर्न कल्चर ये सब सीख कर फिर इंडिया ने पेंटिंग अपने हिसाब से स्टार्ट किया ठीक है अब जैसे कि अगर एग्जाम्पल दो स्कल्प्टर मूर्तिकार या जो मूर्ति बनती है या जो मंदिर वंदिर बनते हैं देखे देंगे उसके ऊपर सर्कल रहता है डोम्स गोल रहता है पता है ना हर मंदिर के ऊपर देखना डोम्स तुमको मिलेगा ही सर्कल टाइप में स्क्वायर टाइप में बड़े बड़े ठीक है कि नहीं तो ये पर सऊदी स्टाइल पर्शियन स्टाइल ईरानियन स्टाइल से आया है अफगानिस्तान एंड वहां से जो आज भी है आज भी जितने भी मंदिर बने या मस्जिद बने कुकी बने तो ऊपर वो गोल रहता है कि नहीं रहता ठीक है कि नहीं तो ये जो हम लोग सब देखेंगे कंस्ट्रक्शन भी कैसे मिक्सचर का इंडिया में कब से आया कैसे आया वो आगे है सब लेसन में ओके नाउ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश पीरियड इंडिया आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एन आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश अंडर लीडरशिप ऑफ जेम्स विल्स अ स्कॉटिश आर्टिस्ट इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवपुर पेशवा इन शनिवारवाड़ा इन पुणे देखो शनिवारवाड़ा मैंने तुमको बनाया ना पेशवाई टाइम पे था पुणे में जो टाइम पे ब्रिटिशर्स जब रूलिंग करते थे सवाई माधोपुर और जेम्स विल्स ये स्कॉटिश आर्टिस्ट था जिन्होंने सेपरेटली मैं बता रहा हूँ सेपरेटली उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा स्कूल्स और कॉलेज ओपन था जिसके अंदर सिर्फ आर्ट ही होता है पेंटिंग एंड ड्राइंग एंड ऑल ही होता है और कुछ नहीं होता ऐसा अंडरस्टूड जेम्स वेल्स के नाम पे आज भी अगर तुम देखोगे तो चर्चगेट फोर्ट में है टाटा इंस्टीट्यूट जीआरडी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट आर्ट स्कूल बोलते हैं जिसको आर्ट स्कूल कोर्ट में फेमस है जहाँ पे तुमको पेंटिंग पेंटिंग स्कल्पचर वही मिलता है सीखने वो कोर्स करते हैं पब्लिक और फिर बाद में जाकर म्यूजियम म्यूजियम के लिए भी काम करते हैं मतलब ऐसे कोर्सेज है जिसको अगर आगे कल्चरल टाइप में कुछ स्टडी करना है तो लोग ये सब कोर्सेज इस्तेमाल करते हैं पढ़ते हैं करते हैं ठीक है और ये वेल्स हम लोग जानते हैं म्यूजियम्स के नेम से पहला छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो है वो पहला प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था म्यूजियम फिर उसको चेंज किया ठीक है तो इनके टाइम पे उन्होंने सवाई माधोपुर के टाइम पे उन्होंने फोटोज प्रिंट आउट किया था अब वो फोटोज देखो बाजू में दिया नाना साहेब फड़वने सर सवाई माधवराव पेशवा का जो मीटिंग था तो वो टाइम पे उन्होंने वो फोटो बैठ कर उधर बना ठीक है He had done a portrait of Savai Madhavrao and Nana Padvanis, Gangaram Tambat. A Marathi artist who worked with Wales deserves a special mention here. हाँ, Gangaram Tambat करके तो जो Wales के अंदर काम करता था, उन्होंने उनसे सीखा
सीख कर फिर खुद पेंटिंग और आर्टिस्ट में काम करने लगे, ठीक है। ही हैड मेड ड्रॉइंग्स ऑफ द रॉक केव्स एट वेरूल एंड कार्ले, वेरूल अजंता लेनी ऐसे प्लेसेस पे उन्होंने खुद ने पेंटिंग्स किया रॉक को कटिंग कर, ठीक है। Some of his drawings are presented in the Yale Center of British Art of Yale University. ठीक है, Yale University करके है, तो वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे वो लोग ने रखे हैं इन यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट पीपल। अंडरस्टूड। एग्जैक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरोपियंस स्टाइल, मीन्स जो उनका पेंटिंग था ना, बोल सकते हैं कि वो जो ना यूरोपियन स्टाइल से पेंटिंग से रिनोन था, ठीक है। अ नंबर ऑफ रिनोन आर्टिस्ट वर ट्रेन्ड इन द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1857 ऑफरिंग कोर्सेज इन यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये भी फेमस है, मैंने तुमको कहा ना वो पेंटिंग जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में, वहां पे स्टूडेंट जाकर ये सब आर्टिस्ट पेंटिंग्स कलर्स कर, ठीक है। पिस्टन जी बोमन जी एंड एलुमनी ऑफ द स्कूल मेड रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग्स, पिस्टन जी बोमन जी करके एक स्टूडेंट है, एलुमनी स्टूडेंट, एलुमनी स्टूडेंट का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, उसको बहुत सारी ट्रॉफीज और स्कॉलरशिप्स और वो सब मिले गए, तो उसने क्या किया रेप्लिकास बनाया, रेप्लिकास मतलब एग्जैक्ट इमेज जो अजंता पेंटिंग में था ना उसका उन्होंने फोटो वोटो लेके आए और यहाँ पर बैठ कर एग्जैक्टली उन्होंने वो चीजें बनाई। अंडरस्टूड, मींस एक बोलते ना पेंटिंग्स को लाइवली लाने का जम बोमन जी पिस्टन जी ने किया। जस्ट हैव अ लुक, डाउट से तो क्लियर करो फास्ट First, clear it. First. Please. Any doubt? Let's go. Do you have any doubt? Okay. अब आते हैं हम लोग स्कल्पचरल आर्ट पे। Now what do you mean by sculptural art? Sculpture, sculpture मतलब जानते हैं ना क्या होता है? Sculpture वो person होता है जो मूर्ति और दीवार के ऊपर paintings करना या मूर्ति करना, ऐसा समझ लो buildings के अंदर POP का काम करने वाले को हम लोग sculpture बोलते हैं। बड़े बड़े pillar विलर बनाने का काम उसको हम लोग बोलते हैं। मेन करके इनका काम मूर्तियां बनाना है, sculpture। चाहे वो मटेरियल कुछ भी, चाहे पत्थर हो, चाहे खड़प्पा हो या दीवार पे हो, कुछ भी ऐसा हो लोग या पीओपी से मट्टी से, इनका काम है। वो लोग ऐसा मोल्डिंग करते हैं, ऐसा मतलब पिक्चराइजेशन करते हैं ना कि जो बोल सकते हैं हम लोग उसको एक वैल्यू होता है उसके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कल्पचरल आर्ट, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल व्यू प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि देखो अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब ये स्कल्पचरल रियलिटी में नेशनल एम्बल है कि नहीं अपना, बरोबर, इसको थ्री डायमेंशनल इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखो ये क्या क्या दिया, घोड़े चक्र हत्ती है नॉल, और ये चार है, बड़ा आगे हम लोग को तीन ही दिख रहे, एक तो पीछे चुका रहता, ठीक है, राइट।
कोई डाउट है? चलो देखते हैं स्कल्पचरल आर्ट क्या होता है. Sculptures are three-dimensional such as images, statues, pots and objects with artistic embellishment. Embellishment मतलब artistic way से उसको put out करना, उसको बोलते हैं artistic embellishment. ठीक है? Okay. For creating sculptures, either rocks or metals or clay is used. As usual, ये तो हम लोग भी जानते हैं. अगर मुझे स्कल्पचर बनाना है, किसी का मूर्ति बनाना है, तो उसके लिए मुझे पत्थर या मेटल या क्ले मट्टी लगेगा ही. ठीक है? Rock sculptures are made by carving. Rock sculpture हम लोग कैसे बनाते हैं? By carving. Carving मतलब उसको कटगोड़ करके, ठीक है, हथौड़ा और चीनी से कट करना पड़ता है. याद है ना स्कल्पिंग कैसा होता है? ठोक ठोक के, ठोक ठोक के, वैसा. ठीक है? Metal sculptures are made with the help of molds and clay sculptures are formed either directly with hand or by using molds. ठीक है? मेटल को उनको क्या करना पड़ता है? भट्टी में डालकर मोल्ड करना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है. ठीक है? कटिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मशीन. मोल्ड मतलब शेप्स देना. ठीक है? क्ले का भी वही है, आइडर में डायरेक्टली हाथ से बनाओ या उसको मोल्ड आउट करके बनाओ. अभी जैसे कि अभी गणपति की मूर्ति बनती रहेगी, जाके देख सकते हो कहीं ना कहीं पे नीचे. ठीक है? तो पहला फेस बनाते हैं, फिर हाथ बनाते हैं, फिर उसको जॉइन आउट करते हैं, फिर लेग्स और वो सब बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं मशीन से. ठीक है? फिर मुकुट और वो सब चढ़ाते हैं ऊपर ऊपर. मतलब ये सब चीजें वो लोग को आर्टिस्टिकली मतलब रियलिस्टिक दिखना चाहिए. ठीक है? द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा एट वेरूल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक. ये एक ब्यूटी अपने महाराष्ट्र में वेरूल कर रहे है जगह. ठीक है? यहाँ पे कैलाश का एक टेम्पल है शिव जी का. वो टेम्पल एक ही पत्थर से बनाया गया, बड़ा पत्थर को कार्विंग करके वो लोग ने बनाया. सोचो. ठीक है? मीन्स ये सब बोलते हैं ना सिग्निफिकेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है अपने इंडिया. ओके? द लायन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ इज द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया. ठीक है? ये हम लोग ने भी देखा है कि वो उसके नेशनल एम्बल में ही आता है ना इंडिया के. ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये नेशनल एम्बल कैसा सारनाथ का दिया गया वो इसके अंदर हम लोग ने देखा कि मोल्डिंग कैसा होता है, चेंजेस कैसा होता है, ऑफ स्टाइल इरानियन पर्सन स्टाइल्स कैसे होते हैं. राइट? एनी डाउट? Any doubt? No, sir. Okay. Sculpture, paintings, yeah. Okay. Doubt? Please have a look. Have a clear look, please. वन मिनट दे रहा हूँ, कोई डाउट्स है क्लियर करो फास्ट फास्ट फास्ट. Okay. Moving on to the next topic, folk type of cultural art. अब इसमें भी देखो हम लोग ने folk style study करना है कि cultural art in folk style कैसे होता है. ठीक है?
ठीक है, ये फोक स्टाइल में कल्चरल आर्ट आ गए थे। लेट्स हैव अ लुक। Cultural art is also an ancient as an art of painting, dating back to the Stone Ages. अब जो हम लोग cultural arts करते हैं, ठीक है, painting dating back to the Stone Age में क्या कैसा इसका जो paintings होते, वो होता। Carving tools out of stones can said to be the beginning of cultural arts. ठीक है, stone tools से carving करना उसको, ठीक है, ये भी एक cultural art ही होता, okay? The custom of making clay images for rituals has been prevalent in the Indian since Harappan times. Clay ke photos, photos banana. ठीक है, ये तो हम लोग ने देखा ही है ना, right? अब ये तो हरप्पा साइल्स है, ठीक है? It has continued till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan, etc. Ganesha idols, mask of Gauri, bull figurines made from the festival of Baipola. पता है ना, बहुत से लोगों को मुकोटा, केरला, तमिलनाडु में चिमुड़ी स्टाइल में डांस वांस करते हुए देखे रहेंगे, बड़े 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 मास्क और वो सब पहन के, ठीक है? तो ये सब मतलब देखा गया है, स्टडी किया, और ये हड़प्पा स्टाइल से हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली ये पाया गया। ओके, विर्गल्स मेमोरियल स्टोन्स, द डेकोरेटिव क्ले स्टोरेज बीन्स आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फोक ट्रेडिशन एंड कल्चरल आर्ट। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पुराण काल का फोक ट्रेडिशंस कल्चरल आर्ट्स के थ्रू से दिया गया। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? And Priya, after before the lecture end, you dive ho jati hai to why? You just left early yesterday also. Why? Before the lecture, bahut se log bhag jate hai pehle hi. Priya Yadav, bataoge? बोलो। सर वो कल नेट बहुत स्लो था इसलिए लीव हो गया था, चल नहीं रहा था। क्या बोल रहे हो? सर कल नेट बहुत स्लो था। ओके, कल विजय सर का भी आधा ही। ओके आशीष, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो इफ यू वांट। आशीष,